अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। सदन बहुमत से नहीं, सदन मुद्दों से चलते हैं, सिद्धांतों से चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की मतलब ये नहीं ये सरकार गिर जाएंगे, ये नंबर लेके हम खड़ा होंगे, नहीं। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ, और जितने बहस होंगे सर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होगा हुआ है। तो अध्यादेश के अखाड़े में एक बार फिर आमने सामने आ खड़ा हुआ है एनडीए और विपक्ष का इंडिया। वैसे तो लोगों की नजर राहुल गांधी पर जमी थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी की अगुवाई कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा का दंगल शुरू हो गया। आंकड़ों के अंकगणित में वैसे तो सरकार को कोई खतरा नहीं, क्योंकि एनडीए के पास 367 वोट हैं, तो वहीं विपक्ष के इंडिया के पास 158 वोट हैं। विपक्ष के ही 12 वोट न इधर और न उधर, इसके बावजूद विपक्ष की एक ही अदद मांग कि संसद में आए पीएम मोदी। सदन बहुमत से नहीं, सदन मुद्दों से चलते हैं, सिद्धांतों से चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की मतलब ये नहीं ये सरकार गिर जाएंगे, ये नंबर लेके हम खड़ा होंगे, नहीं। सरकार की खामियां क्या है, सरकार की कमजोरी किधर है, सरकार को क्या करना चाहिए, कैसर सरकार हिंदुस्तान के आम लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, ठगा रहे हैं, ये सारे मुद्दे को उठाने की ये एक अवसर मिलते हैं हमें। लोकतंत्र के अंदर जो औजार होते हैं विपक्ष की, सारे औजार को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि मोदी सदन के अंदर आए। अविश्वास और विश्वास की इस बिसात पर 3 दिन तक बहस होगी। पीएम मोदी आखिरी दिन यानी 10 तारीख को संसद में जवाब देंगे। वहीं बीजेपी की ओर से सदन में मोर्चे पर उतरे नेताओं ने भी विपक्ष और उसके गठबंधन पर जमकर पलटवार किया। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ, आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होगा हुआ है। संसद के सियासी संग्राम को 2023 में 2024 का ट्रेलर भी कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली वाले बिल से लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक ये साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। हालांकि दिल्ली वाले अध्यादेश पर जयंत चौधरी, कपिल सिब्बल और देवगौड़ा सरीखे सांसदों का नदारद रहना भी विपक्षी एकता में दरार दिखा रहा है, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए और इंडिया से दूर खड़े दलों ने भी इस सियासी संकट को बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज़ हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार
इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, यह बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा इस मामले को लेकर। बहरहाल लोकसभा के मानसून सत्र का आखिरी अध्याय अब मणिपुर की महाभारत पर खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले अध्यादेश और अब अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए बनाम इंडिया के इस दंगल में सवाल यही है, क्या 2023 की बिसात पर ये 2024 का ट्रेलर है?